हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। और आज का मेरा ब्लॉग एक ट्रैवलिंग ब्लॉग है, जो हम गए थे महाबलेश्वर मंदिर। तो महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र के सतारा ज़िले में है, और हम लोग गए थे पुणे से। तो पुणे से ही महाबलेश्वर की जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर लगभग। तो मान के चलिए हम 4 से 5 घंटे में पहुँचे थे, आराम से निकले थे। और हम लोग सुबह निकल गए थे सुबह 7 बजे, और रात को पहुँचे हैं 9 बजे लगभग। तो ये है हमारे रविंदर भैया, और ये है इनकी वाइफ, बगल में मैं बैठी हूँ, मेरा बालक और पतिदेव बना रहे हैं ये क्लिप। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। समय लगभग 10:30 हो रहा था, तो हमने लिया था इडली, बड़ा, सांभर, चटनी, यही दी, और ये खाया हमने थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम निकल गए आगे की तरफ को, आगे की तरफ को निकल गए। और आगे हमको जैसे 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 जा रहे थे, छोटे छोटे झरने मिल रहे थे। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, और यहाँ पर हम एक चाय के लिए रुके थे। तो थोड़ा आगे गए तो एक बहुत ही सुंदर व्यू हमको दिखा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने एक छोटी सी क्लिप बना ली इसकी, अच्छा लग रहा था। कुछ फोटोग्राफी की हम लोगों ने, थोड़ी देर रुके यहाँ पर। और पहाड़ी एरिया था, तो मेरा बहुत ज़्यादा सर घूम रहा था, मुझे वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। तो अब हम पहुंच गए हैं, ये मेन गेट है महाबलेश्वर की एंट्री के लिए। ये गांव का एरिया है, मतलब मान के चलिए जो आपका पुणे सतारा हाईवे था वो छोड़ के हम यहाँ से, हमने एंट्री करा गूगल के थ्रू, हम लोग जा रहे थे, यहाँ से एंट्री करी। तो ये पूरा गांव का एरिया था, पूरा पहाड़ी एरिया था। पर खूब सारी सब्जियां हो रही थी यहाँ पर, मन कर रहा था कुछ तोड़ ले हम लोग भी, लेकिन मन कर रहा था बस। और तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गेट पे हम लोगों ने एंट्री कर दी है। बहुत ज़्यादा तो बस हमने एंट्री कर दी है, और ये दुकानें सजी हुई हैं यहाँ। तो ये है महाबलेश्वर मंदिर की एंट्री। तो मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, तो हमने बाहर बाहर से ही कुछ क्लिप ली थी। हम लोग यहाँ पे जूते चप्पल साइड करके अंदर दर्शन, ये इतनी भीड़ थी, दर्शन किए हमने। फिर हम लोग गए दूसरे मंदिर। जो तो दूसरा मंदिर है वो पंचगंगा मंदिर है। ये 5 नदियों का एक झरना है, तो कोयना, वेन्ना, सावित्री, गायत्री और कृष्णा, इनका एक संगम था। ये सबसे पानी आ रहा था, बहुत सुंदर मंदिर था ये भी। फिर उसके बाद कुछ जगह हम लोग घूमे, कुछ पॉइंट्स आसपास के हम लोगों ने घूमा, अच्छा लगा यहाँ पर। और सामने एक झील है, और बहुत सुंदर झील थी ये भी। अब हमने एंट्री की है एक गुफा में। ये गुफा बनाई है इन लोगों ने, ये रस्सी भी बांध रखी है। बहुत ज़्यादा फिसलन थी यहाँ पे, तो हम लोग धीरे धीरे करके चल रहे थे नीचे की ओर, रुक रुक के भी जा रहे थे, थोड़ा डर भी लग रहा था। और तो नीचे जो है ना, इन लोगों ने क्या किया था, थोड़ा रेस्टोरेंट टाइप का बना रखा था, कुछ लोग बैठे भी थे, चाय वगैरह आप पी सकते हो यहाँ पे। सामने टिकट कट रहा था यहाँ पे एंट्री के लिए, और बहुत ज़्यादा अंधेरा था अंदर। तो हम लोगों ने अपना फ़ोन का टॉर्च भी ऑन कर लिया था, तो फ़ोन की लाइट से ही हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े थे। थोड़ा डर भी लग रहा था, बस निकल गए हैं बाहर। और ये बालक और पति देव की जुगलबंदी चल रही है यहाँ पर। ये टेबल टॉप है, ये एक स्ट्रॉबेरी रेस्टोरेंट था। यहाँ पर ना स्ट्रॉबेरी की बहुत ज़्यादा पैदावार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी होता है यहाँ पे। तो जगह जगह ये स्ट्रॉबेरी के इस तरीके के पेड़ लगे हुए थे यहाँ पे, बट यहाँ का खाना हमको समझ नहीं आया, तो हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे। और ये देखिए, छोटे छोटे ना स्ट्रॉबेरी की अभी फसल स्टार्ट कर दी है इन्होंने। और फिर उसके बाद हम गए यहाँ पर खाने के लिए दूसरे रेस्टोरेंट में। ये बहुत अच्छा था, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा था। ये मेन मार्केट में ही है, पूर्वी रेस्टोरेंट आई थिंक, अच्छा था। इसके बाद कर दिए हमने घर के लिए वापसी, और वापसी में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी,
तो दोस्तों आज के लिए मेरा ब्लॉग इतना ही, और आप लोग भी प्लान कीजिएगा, आप लोग भी कभी जाइएगा, और अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा।